Stanley on Bible presents Sound Doctrine Swasth Siddhant Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. Taiyar kiye gaye paath dwara R. Stanley Bhavan engineer bane Bible shikshak. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने जीवन में लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 7 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है कार्य, और हम बाइबल के उन सिद्धांतों पर मनन कर रहे हैं जो हमारे कार्यस्थल में हमारे चाल चलन पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमने अब तक 7 पाठ इस विषय पर सीख लिए हैं और इसके अंतर्गत की कार्य कैसे न करें, हाउ नॉट टू वर्क। अप टिल नाउ वी हैव सीन 7 lessons. लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट ओवर डिफरेंशिएट बिटवीन द सेक्युलर एंड द सेक्रेड। लौकिक और आत्मिक कार्यों के बीच में अधिक अंतर न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी सेटिस्फाइड विद एवरेज परफॉर्मेंस। दूसरा पार्ट था कि अपने औसत प्रदर्शन से संतुष्ट न रहें। लेसन नंबर 3, डू नॉट डाउन प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तीसरा पार्ट था कि नियोजन के महत्व को कम न समझें। लेसन नंबर 4, डू नॉट वेस्ट टाइम। चौथा पार्ट, समय बर्बाद न करें। लेसन नंबर 5, डू नॉट सब्स्टिट्यूट डिवाइन फेवर फॉर हार्ड वर्क। पांचवा पाठ था कि कड़ी मेहनत के बदले ईश्वरीय अनुग्रह को विकल्प न समझें। लेसन नंबर 6 वॉज डू नॉट हेजिटेट टू लर्न फ्रॉम अदर्स। दूसरों से सीखने में संकोच न करें। लास्ट वीक वी हैव सीन द 7th लेसन। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 7वां पाठ सीखा था, एंड दैट वॉज डू नॉट लूज द स्पिरिट ऑफ सर्वेंटहुड। 7वां पाठ था कि सेवकपन की भावना में ढीलापन न आने दें। टुडे वी विल बी लर्निंग द 8th लेसन ऑन हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। 8वां पाठ, डू नॉट neglect योर बॉडी, अपने शरीर की उपेक्षा न करें। मैं इसे दोहराता हूं, हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। लेसन नंबर 8, डू नॉट neglect योर बॉडी। 8वां पाठ, अपने शरीर की उपेक्षा न करें। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरे पिताजी के कहे हुए कुछ शब्द याद आते हैं, जो कहते थे कि यदि दीवार न हो तो उस पर पुताई नहीं कर सकते। मेरे बाल्यकाल में और यहां तक कि मेरे सेवकाई में आकर के प्रारंभ के जो वर्ष थे, मैं इस वाक्य को या तो समझ नहीं पाया या कुछ अस्पष्ट सा लगता था, मुझको जमता नहीं था कि इसका क्या अर्थ होता होगा। मैं तो उल्टा यह समझता था कि शरीर को अगर मैं कष्ट देता हूं, मेरे शरीर में अगर मैं दुख उठाता हूं, तो यही मेरी आत्मिकता का नाप है। परंतु बाइबल ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाती है। शरीर की उपेक्षा करना आत्मिकता नहीं होती है। हमें तो अपने शरीर के एक एक अंग को, और वो कैसी अद्भुत रीति से रचे गए हैं, हमारे बाह्य अंगों को और हमारे भीतरी अंगों को भी परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से रचा है, और उस बात को हमें समझना चाहिए और उसकी सराहना भी करना चाहिए। दाऊद के शब्दों में आइए, भजन संहिता के 139वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से देखिए क्या बात कर रहा है। 139 का 13वां वचन और आगे के कुछ वचन, मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरे मन को जानने वाला तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है, मां के गर्भ में मुझको रूप दिया है,
मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। मनुष्य के शरीर की जो रचना है आज भी ये बड़े बड़े खोज करने वालों के लिए भी बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी रहस्यमय बात है कि कैसे मां के गर्भ के अंदर वो हड्डियां जुड़ जुड़ करके एक मानव रूप लेती है, एक शिशु का जन्म होता है। ये सब बड़ी भयानक रीति से और साथ ही साथ बहुत ही अद्भुत रीति से रचा गया है और परमेश्वर की देखरेख में यह सब कुछ होता है। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। दुनिया को तो न दिखता था परंतु तू एक एक बात को देख रहा था। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। कितनी अद्भुत बात है कि मेरे शरीर का एक एक अंग और उनका बनाया जाना और मेरे शरीर के भीतरी अंग और उनका स्थान और उनका कार्य और जब से मैं पैदा हुआ उनका कार्य चल रहा है। यह शरीर जो है बड़ा अद्भुत है, बड़ी अद्भुत रचना है अपने परमेश्वर की। और इसीलिए आज का पाठ कह रहा है अपने शरीर का ध्यान न हटने देना, अपने शरीर की उपेक्षा न करना। डू नॉट निग्लेक्ट योर बॉडी, क्योंकि यह परमेश्वर का एक अद्भुत गिफ्ट है हम लोगों के लिए। प्रियो, शरीर की उपेक्षा जो व्यक्ति करता है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यह ईश्वरीय नहीं है, यह बाइबल आधारित नहीं है। बहुत से लोग, विशेष करके वे लोग जो आत्मिक क्षेत्र में हैं, वे इस भ्रम में जीते हैं कि यदि हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, अलग अलग प्रकार की यातनाओं से गुजरने देंगे तो हम वास्तव में आत्मा में वृद्धि करेंगे। बिल्कुल नहीं, यह भ्रम गलत है और झूठ है। हमारी आत्मिकता में वृद्धि शरीर के किसी कष्ट के साथ में नहीं जुड़ी है। यह बाइबल आधारित नहीं है, ऐसा अभ्यास गलत है और ऐसा सोच विचार भी एकदम झूठ बात है। प्रारंभिक कलीसिया में यह विचार, यह झूठी शिक्षा घुस आई थी और इसी के विषय में पौलुस प्रेरित सुधारते हैं। लोग समझने लगे थे कि शरीर को कष्ट भोगने देंगे तो हम आत्मा में बढ़ते रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ में आप भी खोलिएगा कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके 20वें वचन से 23वें वचन में। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? जीवन में सांसारिक बातों को छोड़कर, पुरानी बातों को छोड़कर, वो सब कुछ बंद करके अब हम ईश्वरीय बातों में आ जाना चाहिए। पौलुस स्पष्ट कहते हैं पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नई हो गई हैं, हम मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हैं। अब क्यों कर तुम उन्हीं विधियों के वश में रहते हो? कौन सी विधियां? ये मत छूना, उसे न चखना, उसे हाथ मत लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। ये सारी बातें जो कह रहे हैं कि शरीर को इन बातों से बचा करके रखो, शरीर को इस प्रकार के कष्ट में से गुजरने दो, शरीर के ऊपर ये तकलीफ और यातना आने दो, यह परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। बाइबल कहती है कि ये मनुष्यों की बनाई हुई आज्ञाएं हैं और ये मनुष्यों की शिक्षाओं के अनुसार है। आगे लिखा है इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग्य भास के भाव से ज्ञान का नाम तो है
पर शारीरिक बातों के रोकने में इनसे कोई लाभ नहीं होता। देखने से ऐसा प्रतीत होगा कि यह बड़े फायदे की बात है, शरीर पर ऐसा कष्ट आने दें तो ऐसा लगेगा आत्मवृद्धि कर रही है, लेकिन केवल प्रतीत होता है, इस बात में ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। शरीर पर यातना हमको ऐसा आभास भर देता है, ऐसा महसूस करेंगे कि अंदर अच्छा लग रहा है, लेकिन हम ऐसे झूठ के पीछे न चलें। कुछ लोग बाइबल का वचन लेकर के उसी के अर्थ का निरर्थ कर बैठते हैं और उनमें से सुनाते हैं। मेरे साथ खोलिएगा पहला तिमोथियुस उसका चौथा अध्याय और उसके आठवें वचन में, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। यहां पर पौलुस प्रेरित हमारे शारीरिक व्यायाम का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक चेतावनी दे रहे हैं कि हम अपना चित्त केवल इन्हीं बातों पर न लगा के रखें जो शारीरिक हैं, जो क्षणिक हैं, जो थोड़े समय की हैं। यदि मैं कसरत करता हूं, व्यायाम करता हूं, तो बाइबल कहती है बेशक तेरे लाभ की है, परंतु ये लाभ तेरे संसार के जीवन भर के लिए है। 70 साल 80 साल बहुत जी लिया, 100 साल, लेकिन जो तुम्हारा आत्मिक अभ्यास होगा वो तुम्हारे इस जीवन में भी और अनंत काल के जीवन में भी जो आने वाला है तुम्हारे साथ बना रहेगा और उसका प्रभाव तुम पर होता रहेगा। मैं फिर कहता हूं कि पौलुस अपने इस कथन के द्वारा हमसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमें शरीर की तरफ दुर्लक्ष करना है। ऐसा नहीं है कि व्यायाम बिल्कुल बंद कर दें, शरीर के लिए व्यायाम करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम लाभ होता है। एक और तरीके से हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपने शरीर को मानो नाश करते हैं, और वो होता है हमारा अति महत्वाकांक्षी होना। हम लोग बहुत बड़ी बातें सोचते हैं और उन बड़ी बड़ी बातों को करने के लिए अपने शरीर को बड़े बड़े कष्टों से गुजरने देते हैं। जैसे ही हमारे मन में महत्वाकांक्षा की कोई बात आती है, उसके साथ साथ हमारे मन में तनाव उत्पन्न होता है। अब इस बात को पूरा करना है, इतने समय में पूरा करना है, इतनी मेहनत लगेगी, और इस प्रकार के तनावों से हम लोग घिर जाते हैं। मैं प्रभु यीशु के जीवन की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। मुझे बताइए कि क्या प्रभु यीशु जब उन दिनों में फिलिस्तीन देश में घूमते फिरते थे, क्या भारत देश में कोई लोग नहीं थे? क्या यहां पर आत्माओं का पतन नहीं हो रहा था? तो क्या प्रभु यीशु दौड़ करके भारत देश में चले आए कि मैं यहां पर भी लोगों को बचा लूं? ऐसा उन्होंने नहीं किया। वे केवल उस स्थान में और उस देश में अपने कार्य को कर रहे थे, और इसके बावजूद मैं यह सुनता हूं कि क्रूस पर से उन्होंने कहा कि पूरा कर लिया है। यहां पर प्रभु यीशु वास्तव में जो कह रहे हैं, मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में जहां पर महायाजकीय प्रार्थना है उसके 4वें वचन में से बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु ने क्यों कह दिया कि पूरा किया? यीशु ने कहा, हे पिता, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। यीशु को पिता ने कुछ कार्य करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इसीलिए मैं आपको भी यही सलाह देना चाहता हूं, ध्यान करें इस बात पर, गौर करिए इस बात पर कि आपको क्या काम सौंपा गया है, और वही काम करें, वही महत्वपूर्ण है। आप सारे काम करने की इच्छा करना चाहेंगे, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी अगर हो जाएंगे तो अपने ही शरीर पर कष्ट लेकर के आएंगे, अपने ही शरीर पर दुख की बात आती है। प्रियो, प्रभु यीशु ने इसको इसीलिए कर पाया क्योंकि उन्होंने किसी कार्य को इनकार किया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में से भी देखेंगे तो आप देखेंगे कई बार उन्होंने कहीं जाने से भी इनकार किया, कोई जगह जाकर पहुंचकर वहां या फिर किसी स्थान में रुकने के लिए भी इनकार किया। हमको काम करने के लिए हां करूंगा, हां करूंगा, हां करूंगा, ऐसे करके भी हम अपने शरीर पर कष्ट ले आते हैं। हमें सीखना पड़ेगा नहीं बोलना।
कि जब आपकी शरीर की क्षमता के बाहर कुछ जाने लगता है तो बड़ी विनम्रता से कह दीजिए कि मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं ये काम नहीं ले पाऊंगा, या ये काम अगर आप मुझे दे रहे हैं तो इतना काम मुझसे हटा लिया जाए ताकि मैं ये काम ईमानदारी से और अच्छी रीति से पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में मैं एक खास घटना आपको सुनाना चाहता हूं जो लूका रचित सुसमाचार में हमको मिलती है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई नासरत में अर्थात उनके अपने गांव में उतनी अच्छी नहीं हुई जितना कि अन्य शहर में, जैसे कि इस कफरनहूम में, और कफरनहूम में भीड़ की भीड़ टूट पड़ रही है, पूरा की पूरा गांव उमड़ पड़ रहा है, आसपास के भी लोग आ जाते हैं, वहां पर खूब काम हो रहा है। फिर एक दिन प्रभु यीशु ने वहां से निकल करके कहीं और जब जाना चाहा तो लोगों ने घेर लिया, यीशु को पकड़ लिया, बोला नहीं आप प्रभु जी अपना यहां पे कैंपेन और कुछ दिन तो चलने दीजिए। देखिए मैं आपको लूका रचित सुसमाचार के 4:42-43 वचन में से बता रहा हूं। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी और वह उनके पास से न जाए ऐसा आग्रह करने लगी। परंतु यीशु ने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। मेरे नाम के लिए ये काम लिखा है, मेरे हिस्से का काम जो यहां था यहां मैंने पूरा किया, अब मुझे वहां पर काम करने जाना है, मुझे जाने दो, मैं यहां और काम नहीं करूंगा। और इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट इनकार किया। मैं इसी बात को प्रेरितों के जीवन में भी देखता हूं। जब प्रेरितों की मिशनरी यात्राएं शुरू हुई तो इसी प्रकार से वे भी ध्यान रखते थे। साथ में खोलिएगा 2 कुरंथी और उसका 10वां अध्याय और उसके 13वें और 14वें वचन में से बताता हूं। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा के बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता है। परमेश्वर ने प्रेरितों को जो काम दिया था वो उनको मालूम पड़ गया। वे जानते थे कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस घेरे में रह करके प्रभु के सुसमाचार को सुनाएं और उसके आश्चर्य कर्मों को करें, और उन सीमा को देखते हुए वे लांगते न थे परंतु इनकार कर देते थे और उस सीमा में अपने आप को बांध करके रखते थे। इस स्थान में मैं अपने जीवन की गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं। 1975 में जब मैंने अस्पताल की नौकरी से इस्तीफा दिया और फिर उसके बाद पूर्णकालीन सेवकाई को आरंभ किया, उस समय मेरे बहुत से मित्रों ने, मेरे चाहने वालों ने बड़े साफ दिल से और अच्छे उद्देश्य से मुझे यह सलाह दी कि मैं वेलोर जैसे छोटे से गांव से निकल करके मद्रास में आ जाऊं। उस समय चेन्नई को मद्रास कहा करते थे, तो वे चाहते थे कि बड़े शहर में आ जाऊंगा तो सेवकाई का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने अपने उन दोस्तों से स्पष्ट कह दिया कि मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जहां पर थोड़ी शांति हो और जहां पर कम से कम विकर्षण हो। लोग मुझे तर्क वितर्क दे करके अलग अलग पर्याय देते जा रहे थे कि यदि मैं वहां चेन्नई जाऊंगा तो बहुत सारी जगह में मुझको प्रचार करने को मिलेगा, लेकिन मैं यही नहीं चाहता था कि बहुत से कार्यक्रमों में जाऊं या कन्वेंशन जाऊं, प्रचारकों के साथ में, लोगों के साथ में उठना बैठना, ये नहीं। मुझे तो एक शांत स्थान चाहिए था क्योंकि मैं लेखन कार्य करना चाहता था। सप्ताह अंत के कन्वेंशंस के लिए भी बड़े निमंत्रण आया करते थे और मैं उसे भी बड़ी विनम्रता पूर्वक मना कर देता था। लोगों से कहता था मेरी बुलाहट जो है वो दूसरी बात के लिए, आप क्यों ना किसी इवेंजलिस्ट को बुलाएं, क्योंकि मैं तो विश्वासियों को उपदेश देकर के उनके लिए प्रोत्साहन का कारण बनना चाहता हूं। लोगों ने तो मुझको यह भी सलाह दी कि विदेश में चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चले जाएं, और उन्होंने बताया कि बहुत से बड़े बड़े प्रचारक ऐसा ही करते हैं,
कि विदेश में जाकर के बस जाते हैं। इससे होता क्या है कि विश्वव्यापी सेवकाई करने का मौका मिलता है। परंतु मैंने कहा कि मेरी बुलाहट मेरे देश के लिए है और मैं भारत के लिए ही जीऊंगा और परमेश्वर की ओर से भारत देश के लिए आशीष का कारण बनूंगा। फिर ऐसा भी मौका आया जब एक नई तमिल बाइबल बन रही थी और लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया कि उसके अनुवाद के लिए जो समन्वयक की आवश्यकता है उसमें आप आ जाएं, लेकिन मैंने अंदाज लगा लिया कि इसमें मेरा बहुत सारा समय चला जाएगा। मैंने वहां पर भी इनकार कर दिया। लोगों ने फिर मुझसे कहा कि आप टेलीविजन मिनिस्ट्री में आ जाइए, आपके संदेशों के लिए हम प्रायोजक करेंगे, हम पैसा प्रदान करेंगे, आप इन कार्यों को भी करें। लेकिन उन दिनों में मैं ब्लेसिंग यूथ मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का भार संभाला हुआ था और मेरे लिए बड़ा कठिन था कि टीवी रिकॉर्डिंग के लिए आऊं और टीवी के लिए हर सप्ताह के लिए मैसेज तैयार करता रहूं। उस समय भी मैंने मना कर दिया था। वो तो अब मेरी सेवानिवृत्ति के बाद में समय मिल पाया है कि मैं टीवी पर आज इस तरीके से आ रहा हूं। प्रियो, यदि मैंने इन सारी बातों के लिए इनकार नहीं किया होता तो आज जो मैंने ये इतनी सारी ढेरों पुस्तकें लिखा हूं ये नहीं लिख पाता। यदि मैंने वो इनकार नहीं किया होता तो आज मैंने इतने सैकड़ों मिशनरियों को जो खड़ा किया हूं ये भी नहीं कर पाता। यदि मैं उन दिनों में वो कार्यों को इनकार नहीं किया होता तो बाइबल का इतना गहन अध्ययन करके लोगों को उपदेश दे करके सहायता भी नहीं कर पाता था। 1996 में हृदय शल्य क्रिया के लिए मुझे जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो मुझे कोई अधूरे काम के रह जाने का दुख नहीं था। मैं संतुष्ट था कि परमेश्वर ने जितना काम मुझे सौंपा है मैंने उसे किया है। तो प्रियो, हमें तैयार रहना चाहिए बल्कि सक्षम रहना चाहिए कि जब कुछ बातें हमारे लिए कही जाती हैं तो हम नहीं बोलना सीख लें, हमारे सीमा को देखें, हमारे दायरे को देख लें। परमेश्वर ने हमारे शरीर को बड़े ध्यान से बनाया है, बहुत अद्भुत रीति से बनाया है और इस शरीर में संकेत आने लगते हैं यदि हम शरीर पर कुछ भारी काम दे रहे हैं, उसकी क्षमता के बाहर अगर कुछ होता है तो शरीर आपको कहीं ना कहीं संकेत दे देता है और इन संकेतों का नजरअंदाज हमको नहीं करना चाहिए। आज का पाठ हमको यही सिखा रहा है कि अपने शरीर की उपेक्षा न करें, यह परमेश्वर ने आपको दिया है। एक कहावत है कि एक थके हुए घोड़े पर चाबुक मत चलाना, वो घोड़ा थक गया है उसे विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मैंने कुछ लोगों को बाइबल का एक वचन बोलते सुना है, वे कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों के 4:13 वचन में से बोल करके बताते हैं और मैं ऐसे लोगों को फिर पूछता हूं, भैया बताइए पौलुस ने यह वचन क्यों कहा था, और मैं उनको बताता हूं कि 4:13 बोलने से पहले 12 पर भी गौर कर लें। यहां पर लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं और हरेक बात में और सब दशाओं में मैं तृप्त रहना और भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीख लिया हूं। इसलिए जब भी हम बाइबल के किसी शब्द को बोल रहे हैं बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि वो किस संदर्भ में बोला गया है, इस बात को याद रखें। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम करते हैं, पैसा अधिक कमाने की इच्छा से, उनके पास है, पर्याप्त है, भरपूर है, लेकिन फिर भी और पैसा चाहिए और इसलिए वो ओवर टाइम करते हैं। परंतु प्रियो, मैं आप लोगों को सलाह देता हूं, समझा रहा हूं, आगे चल करके यही पैसा आपको अपने इलाज के लिए, अपने चिकित्सा के लिए खर्च करना पड़ता है। नीति वचन के 23 और उसके 4 में देखो क्या लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह उका पक्षी के समान पंख लखाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है।
आपके लिए वो ओवर टाइम के पैसे की जरूरत नहीं है, आप जो पाते हैं उसमें संतुष्ट रहिए और परमेश्वर की आशीष आपको स्वस्थ और आनंद प्रदान करती है। साथ ही याद रखिए, जो आप मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, आपके शरीर को दो बातों की खास जरूरत है, समय पर भोजन और समय पर विश्राम। मैं यीशु मसीह के जीवन से आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ में खोलिए मरकुस रची सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और इसके 31वें वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, अपने शिष्यों से बात कर रहा है, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था, खाने के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे, लगातार लोग आ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल भिड़ गए हैं, लेकिन यीशु ने कहा अलग हट जाओ, चलो खाने के लिए निकलते हैं। इसलिए वे नाव पर चढ़कर एक सुनसान जगह में चले गए। प्रभु यीशु को भोजन करना भी अच्छा लगता था और लोगों ने तो उसको क्या कहना शुरू किया मालूम है, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और लोगों ने उससे कहा देखो पेटू, यानी कि प्रभु यीशु खाते पीते थे ऐसा लोगों ने भी देखा था, लेकिन यीशु हमको वास्तव में सिखा रहे हैं अपने शरीर की उपेक्षा न करें। हमारे शरीर को आराम की जरूरत है और ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है, परमेश्वर की आज्ञाओं में है। प्रभु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमें जो आज्ञाएं दी और वो 10 आज्ञाओं में हम पाते हैं कि विश्रामवार को पवित्र मानना है। 23वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा है निर्गमन में, 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना। काम करना 6 दिन, 7वें दिन विश्राम करना। तू भी आराम कर, तेरे दास दासियों को आराम कर, तेरे घर में जो पशु हैं उनको भी तू आराम करने दे। और इस प्रकार से परमेश्वर कहता है मेरे और तेरे बीच में ये सदा का चिन्ह रहे, हमेशा की विधि रहे। लेकिन प्रियो आपको मालूम है, कुछ वर्ष पहले की बात है, जापान देश में इस 7 दिन के सप्ताह का नियम तोड़ करके, परमेश्वर की विधि तोड़ करके उन्होंने 10 दिन का सप्ताह बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही हार मान गए और वापस 7 दिन पर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि 10 दिन के सप्ताह में बहुत सी विफलताएं हुई, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही थी, उनका उत्पादन उत्तम रीति से नहीं हो पा रहा था। परमेश्वर ने मनुष्यों को बना करके बगीचे में रखा, उसकी खुली हवा में रखा, उसके ऐसी हवाओं में जिसमें प्राण वायु भरपूर हो और ऐसे जिनके हवाओं के चलते मानो संगीत भी निकलता हो। हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है, हमारे शरीर को कसरत की जरूरत होती है। याद से इन बातों को करते रहें प्रियो, और परमेश्वर के आज के इस पाठ को स्मरण रखें कि अपने शरीर की उपेक्षा ना करें। हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें, अपने शरीर की उपेक्षा न करें। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टेलीकास्ट। लाइक द बेरेयन क्रिश्चियंस, सर्च द स्क्रिप्चर्स योरसेल्फ टू सी वेदर थिंग्स आर सो। Share these precious truths with your friends. Encourage them to watch this telecast week after week. Do pray for this program. Support us with your offerings. God bless you and make you a blessing. Address for correspondence and contributions: R. Stanley, number 13, Church Colony, Vellore, 632-006, telephone 0091-9843-7076-00.